कानपुर में 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला विकास दुबे शुक्रवार सुबह पुलिस की गोली से मारा गया। गुरुवार को उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। 2 जुलाई को कानपुर शूटआउट का मामला सामने आने के बाद विकास की कई कहानियां सामने आई थी। विकास ने एमपी के शहडोल जिले की रीचा निगम उर्फ सोनू से करीब 20 साल पहले कानपुर में लव मैरिज किया था। इस शादी से रीचा के पिता और घर वाले खिलाफ थे। उनके विरोध करने पर विकास उन्हें गन पॉइंट पर ले गया था। विकास की जो लव स्टोरी सामने आई है उनके अनुसार विकास कानपुर में शास्त्री नगर में अपनी बुआ के घर पढ़ाई करने आया था। पड़ोस में रहने वाले एयरफोर्स कर्मी एचपी निगम की बेटी रीचा से उसकी मुलाकात हुई। रीचा को उसके पापा प्यार से सोनू कहते थे। रीचा से नजदीकी बढ़ाने के लिए विकास ने उसके भाई ज्ञानेंद्र से दोस्ती कर ली। दोस्ती इतना परवान चढ़ी कि विकास के हर काम में रीचा का भाई ज्ञानेंद्र साथ देने लगा। विकास का रीचा के घर आना जाना शुरू हो गया। विकास किसी भी बहाने से रीचा के घर पहुंच जाता था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बीच विकास ने रीचा के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने दूसरी जाति में शादी करने से मना कर दिया था। इसके बाद रीचा के पिता ने घर में पाबंदियां लगा दी। विकास को भी घर में आने से मना कर दिया। इससे गुस्साए विकास ने उनकी कनपटी पर पिस्टल लगा दी और जान से मारने की धमकी दी। विकास 1997 में रीचा को भगा कर ले गया और लव मैरिज कर ली थी। कुछ दिन बाद रीचा विकास को छोड़कर वापस आ गई। बाद में विकास की धमकियों के आगे हार मान गई और फिर साथ रहने लगी थी। इधर रीचा का भाई विकास का राइट हैंड बनकर काम करने लगा। उस पर कई आपराधिक केस दर्ज हो गए थे।